अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक करिकुलम एकेडमी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, कल मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सिलेबस बताया कि हमने इसमें क्या क्या करना है, तो आज मैं एडवांस की तरफ लेके आऊँगा। एडवांस का सिलेबस बच्चों थोड़ा सा जो है लेंथी होता है, उसमें काम ज़्यादा है। फिर कह रहा हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स में, ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी ही क्लासेस को ज्वाइन करें, इसके अलावा आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी एकेडमी अगर कोई खुली है, लेकिन अकेडमी वगैरह सारी बंद है, आपने इस दिसंबर के महीनों को ज़ाया मत करें, क्योंकि अगर आपने ज़ाया किया तो ये बी कॉम पार्ट वन की तरह नहीं है कि आप आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है? तो टाइम को ज़ाया किए वगैरह स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एडवांस अकाउंटिंग का भी जो है पेपर 100 नंबर का होता है और उसमें 40 नंबर वाला पास होता है, और सबसे पहला पेपर ही आपका एडवांस अकाउंटिंग का होता है, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमने करने हैं, और ये 9 चैप्टर हैं टोटल्स, ठीक है? 9 चैप्टर्स हैं। होता ये था कि बच्चों, जब आप बी कॉम पार्ट वन आप लोगों ने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी वो दोनों आपस में मर्ज थी, काफ़ी चीज़ें आपको आती भी होंगी, लेकिन जो एडवांस और कॉस्ट है वो बिल्कुल हटके हैं, वो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी, वो नए सिरे से पढ़ने वाली है। तो पहला चैप्टर जो बच्चों मेरे पास है, बोनस इशू एंड राइट इशू, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको करना ही करना है क्योंकि इसमें से सवाल लाजमी आता है। उसके बाद दूसरा है डिपेंचर और बाउंस है। होता क्या है कि पहले होता है कि दोनों चैप्टर में से जो है दो सवाल आते थे, बास का दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं या बास का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो पहला चैप्टर बोनस इशू एंड राइट इशू है, दूसरा डिपेंचर बाउंस इशू है और बाउंस है, तीसरा बच्चों कंपनी फाइनल अकाउंट, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने फाइनल अकाउंट का किया है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें कुछ चीज़ें और भी अंदर ऐड हो गई है, एडजस्टमेंट ज़रा ज़्यादा आ गई हैं। वो सब चीज़ों को सीखने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मेरे से नहीं पढ़ते तो किसी और टीचर से आप पढ़ लें, इसकी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि फ़ीस मैंने बहुत ज़्यादा कम रखी हुई है, ठीक है? बल्कि तो मैंने और भी कम कर दी पहले। अच्छा, पर सब्जेक्ट तो 500 ही आपका वो मंथली के हिसाब से है, पहले मैंने 3,500 रखी थी, लेकिन अब फुल सब्जेक्ट की जो फीस है वो कितनी है, वो 3,000 की है, ठीक है? मंथली पे करना। अब बच्चों, वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने पढ़ना तो आ जाए, वरना अगर आपने दिसंबर का महीना ज़ाया करना और ये सोच रहे ना, और पेपर आपके कब होने, जून में होने, मैं बार बार कह रहा हूँ जून में होने, उस हिसाब से हमारे पास टाइम कम है। 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद 4 चैप्टर एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स रेशियो है, इसमें सारे फार्मूले हैं वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। 5वां चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स बनते हैं। 6ठा मेरे पास है ब्रांच अकाउंट्स है, मैं बाद में बताऊंगा जब आप इसको ज्वाइन करेंगे कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन की जगह जो है हम वो वाला चैप्टर कर सकते हैं। ब्रांच अकाउंट करना है बच्चों। उसके बाद मेरे पास आता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आप लोगों ने वहाँ पर किया हुआ है सेकंड ईयर में, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ निमट में चीज़ें की थी, यहाँ पर हमें सारी करनी पड़ेगी। होता ये है कि आई कॉम पार्ट 1 और 2 में जो चीज़ें हम नहीं करते, एग्जाम्स में नहीं आते, तो हमें पार्ट 1 और 2 में करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है? कॉन्टैक्ट अकाउंट भी करना है। 9वां मेरे पास क्या है कि हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों, ये 9 के 9 जो हैं ये चैप्टर्स ही हमने करने हैं। देखने में आपको लग रहा है कि बस 9 हैं, लेकिन जब आप इसको करेंगे, क्योंकि कॉलेज वगैरह बंद है, अब अगर उसके बाद खुद भी जाते हैं जनवरी, तो वो उन्होंने स्पीड मारनी और वो आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आनी। अगर आपको मिनिमम से चार्जेस में कहा जा रहा है कि ज्वाइन कर ले, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं जा रहा, फ़ायदा होगा अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो 5 से 1,000 रुपये हम तो वैसे खाने पीने में या लोड वोड कराने में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर आए, पढ़ें, क्वेश्चंस करें। ऑनलाइन का क्या तरीका कार है मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको गाइड कर दूँगा, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह थोड़े दिन रह गए, 1 दिसंबर को क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो बच्चे फीस पे कर देंगे उनको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिनिमम से फीस है, ज़रूर ज्वाइन करें बच्चे। फिर कह रहा हूँ कि टाइम मत ज़ाया करें, क्योंकि ये बीकॉम पार्ट वन की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस माइंड में बैठे हुए हैं कि जी मेरा रिजल्ट आएगा तो फिर मैं देखूँगा। बच्चों, रिजल्ट अच्छा आता है या बुरा आएगा, पार्ट 2 तो करनी है ना, तो वो आपको उसका चांस वो दे देंगे क्लियर करने के, लेकिन ज्वाइन करें आप सारे सब्जेक्ट ना थी, एट लीस्ट जो है कॉस्ट और एडवांस के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। और 1,000 रुपया फीस बन रही है मंथली, वो क्या फ़र्क पड़ता है देने से, ठीक है? तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर मज़ीद सवाल पूछें तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।